हमारे किचन में बन रहे हैं दही बड़े। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और हमने अरहर की दाल 2 कप पीस ली थी और बराबर से फेंट लिया है, थोड़ा सा नमक डाल के स्वाद अनुसार। फिर हम इसको तल देंगे। और हाँ हमने इमली की भी चटनी तैयार करके रख दी और इसको हमने तल देंगे। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी होते हैं, मुलायम भी होते हैं। उसको हम पानी में डाल देंगे 10 मिनट के लिए। ये सारे वड़े थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना, तो पानी में डाल देंगे। पानी वाला शूट हमने नहीं किया, लेट हो गया था, इसीलिए आप तो जानते ही। ये देखिए कितने अच्छे और क्रंची बने हैं और क्रिस्पी भी बने हैं। तो इसको हम पानी में डाल के 10 मिनट से निचोड़ के रख दिया। और यहाँ पे हम बना रहे हैं दही। दही को बराबर से फेंट लेंगे और हमने शुगर को भी क्रश कर लिया था और फिर शुगर डालेंगे। और वो पास में पड़े हैं वो हमारे दही वड़े जो हमने पानी से भी निकाल दिए। और थोड़ी थोड़ी सी हम डालेंगे शुगर और उसको भी फेंट लेंगे। और हाँ, मेरी वीडियो से कोई भी रेसिपी शायद ही बना सके, लेकिन ये बात यकीन से मैं कह सकती हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह एंजॉय तो ज़रूर करेंगे और अच्छा भी लगेगा आई होप। तो चलिए फिर हमने शुगर भी ले ली है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर हम सर्व करेंगे। दही बड़े बहुत ही अच्छे होते हैं। पानी पूरी सिर्फ और सिर्फ नाम की चर्चा में है, लेकिन हमारे दही बड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, पानी पूरी से बेटर होते हैं। और अभी हम सर्व करने लगेंगे थोड़ी ही देर में। और हमने थोड़ी सी ग्रीन चटनी भी डाली थी और ये दही हमारी तैयार है। और फिर हमने दही बड़े डाल दिए, ऊपर से थोड़ी सी दही डालेंगे। और आपको दही बड़े पसंद है या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कुछ लोग सिर्फ देख के चले जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब आपको करना ही है। तो यहाँ पे हमने डाल दी है मीठी चटनी। इमली की चटनी मीठी होती है ना, और ग्रीन चटनी और थोड़ा सा चाट मसाला। और फिर हम थोड़ी सी डालेंगे सेव, जो हम खाते हैं ना फीकी सेम, जो टमाटर में भी इस्तेमाल होती वो वाली। और देखिए फाइनल लुक कैसा आ रहा है फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मिठाई खा लो, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।